नमस्कार दोस्तों, रैपिड फायर सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक दिलचस्प टॉपिक जो कि है उत्तर प्रदेश विशेष में ज्योग्राफी। एक क्वेश्चन 100% डन है। तीन ही चार तो टॉपिक हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत, जहां से आपके पिछली बार भी पेपर में पूछे गए थे सवाल, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो उन्हीं में से सबसे पहले हम ज्योग्राफी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस को देखते हैं, एकदम धुआंधार फास्ट आपके फायर मोड में, जिनसे कि प्रश्न आपके दिमाग में छपते चले जाए और अपना काम है परीक्षा में प्रश्नों को सही करना। तो आइए देखते हैं एक सरसरी नजर से इन सभी को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है। सारे लोग जानते हैं 650 किलोमीटर आपकी जो है लंबाई और 240 किलोमीटर इसकी क्या होती है चौड़ाई मिलती है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं 7.33% क्या होता है यूपी ओवरऑल इंडिया का जो है एरिया में परसेंटेज जो है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को टच करती हैं, आप सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं 8 राज्य, ठीक है, प्लस एक आपका यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम लोग किस तौर पर जानते हैं दिल्ली के तौर पर। यहां राज्य केवल पूछा है तो राज्य में 8। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान होता है। तो देश में जब हम स्थान की बात करते हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय चौथे पोजीशन पर हैं। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि अपने उत्तर में पड़ती हैं शिवालिक की श्रेणियां। छह नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं विंध्य। सात नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ मिलती है। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को भान होगा कि भाई उत्तर प्रदेश की सीमा में जब हम बात करते हैं तो इसमें नेपाल वह देश होता है जिसके साथ हमारी सीमा साझा होती है। आठ नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग होता है। सभी को ध्यान होगा बहुत अच्छी तरीके से कि जो है गोंडवाना लैंड का क्या होता है या एक पार्ट होता है। नौ नंबर कह रहा है गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कपि निक्षेपों को क्या कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न आया है। इन सभी को हम लोग बांगर कहते हैं जो प्राचीन है, नवीन को खादर। अगला प्रश्न कह रहा है गंगा यमुना नवीन में नवीन कपि निक्षेपों को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि पुराने को बांगर और नवीन को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कैम्ब्रियन युग में माना जाता है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इनमें से जब आप देखते हैं इटावा को तो इटावा अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला मिलता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। भाई ऊपर की बात हो रही तो ऊपर जब आप देखोगे तो इसमें से सहारनपुर ही आपको मिलना, सहारनपुर है यह हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता। 14 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। सबसे पूर्वी जिला अपना कौन सा पड़ता है, बलिया, ठीक है, बलिया सबसे पूर्वी। अगले जब हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला सबसे ऊपर आपको सहारनपुर मिलता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जब आप देखोगे तो लखीमपुर खीरी क्या मिलता है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है। राजस्थान की सीमा में एंट्री आप मथुरा से करते हैं, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है। वेटलैंड की अगर मैं बात करूं तो सोनभद्र आपका सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला होता है। 19 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां जिसको हम सोन पर जो है कैमूर कहते हैं किन जिलों में पड़ती है। तो 19 में आप सारे लोग ध्यान रखिएगा मिर्जापुर और सोनभद्र में यह पर्वत चोटियां मिलती है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो अपने यहां भैया आगरा की बात करें, आगरा में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। 21 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अपने यहां जब हम बात करते हैं गोरखपुर में सबसे ज्यादा, ठीक है, दमदार बारिश होती है। 22 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा जब आप देखोगे तो आपको मथुरा में मिलेगा सबसे कम बारिश। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहते हैं। अपने यहां जो हवाएं चलती हैं इनको हम लोग लू कहते हैं कि भैया लू लग जाएगी बाहर मत निकलना। 24 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं। बंगाल खाड़ी से जो मानसून उठता है उसको पूर्वा मानसून हम लोग कहते हैं। 25 कह रहा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा लेना है तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जाइए, गोरखपुर वाले एरिया में सबसे ज्यादा बारिश। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्या होता है। जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ोगे घटते जाएगी, भाई मथुरा की तरफ आप बढ़ोगे घटेगी 100%। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान में क्या होगा। नीचे से ऊपर जाओगे आप पर्वतीय ओर तो क्या होगा, जाहिर सी बात है तापमान में आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है देखने को ही मिलेगा, ठीक है, घटना ही देखने को मिलेगा। आगे आपसे क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में शीतकाल में कैसी वर्षा होती। शीतकाल में अपने यहां जो बारिश होती है वो, ठीक है,
इनमें से कोई ना, मानसूनी चक्रवाती समानी ऐसी नहीं है कोई भी बारिश। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जनपद गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि कितनी है। भाई सबसे लंबी वर्षा यहीं पर गोरखपुर में देखने को मिलेगी, 56 दिन तक बारिश होती है, ठीक है। तीसरा नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान किया, अपने यहां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर नदियां बहती है। 31 कह रहा उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां होती है। उद्गम स्रोत जब आप देखेंगे तो तीन प्रकार की नदियां अपने यहां होती है, मैदानी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है, बिजनौर से होते हुए गंगा नदी अपने यहां प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है। इनमें से जब आप देखेंगे तो इनमें से जब हम बात करते हैं गोरखपुर, तो गंगा के किनारे गोरखपुर नहीं मिलेगा। 34 कह रहा है गंगा नदी राज्य के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी की जब हम बात करते हैं तो अपने यहां बलिया से क्या होती है, बिहार में एंटर कर जाती है। फिर हम बात करते हैं किसकी, 35 की, किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाई गंगा को ही तो हम लोग प्रयोग करते हैं, इलाहाबाद से हल्दिया। उसके बाद जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनका उद्गम स्थल हिमालय में नहीं, अगर इनमें से आप देखेंगे किसको, एक तो जब हम बात करते हैं गोमती फुलहार ताल से निकलती है, और गोमती के साथ साथ जब हम बेतवा की बात करते हैं तो ये दोनों हिमालयी क्षेत्र से नहीं है, दोनों हिमालयी क्षेत्र से। फिर आपसे क्या बात कर रहा है, फिर हम बात करते हैं रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से अपने यहां प्रवेश करती है, तो आप सारे लोग जानते हैं बिजनौर की ही हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे 38 कह रहा है कि काली नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। काली नदी की बात की जाए तो ये पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। 39 नंबर कह रहा घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहां है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल मापचा चुंगो दर्रा पड़ता है, ठीक है, वहां से होता है। 40 कह रहा घाघरा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती, खीरी से अपने यहां इंटर करती है। 41 नंबर कह रहा कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे है, तो राप्ती के किनारे आपको देखना है तो गोरखपुर मिलेगा, ठीक है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे मिलता है। 42 कह रहा गंडक नदी का उद्गम स्थल कहां है, जब हम गंडक की बात करते हैं तो गंडक का उद्गम मिलता है नेपाल में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो पीलीभीत में फुलहर ताल एक होती है, फुलहर झील होती है, इसी को पीली जो है इसका उद्गम कहते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न कह रहा यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिलती है, तो यमुना अपने यहां प्रयागराज में, ठीक है, संगम याद होगा सभी को। अगला कह रहा चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है, चंबल के जब हम उद्गम की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में उद्गमित होती है। 47 नंबर क्या कह रहा चंबल नदी राज्य के किस जनपद से यमुना में मिल जाती है, तो ये इटावा में यमुना से मिल जाती है, ठीक है, और फिर इटावा को खूब जो है अवनालिका अपरदन से ग्रसित करती है। बेतवा नदी किस जनपद में यमुना से मिलती है, बेतवा की अगर मैं बात करूं तो ये हमीरपुर में क्या होती है, यमुना से मिल जाती है। 49 नंबर कह रहा केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिलती है, केन नदी की जब हम बात करें तो बांदा, ठीक है, बांदा जो है जनपद में ये यमुना से मिलती है। 50 नंबर की बात करते हैं, कह रहा सोन नदी का उद्गम किस राज्य में, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, ये चीज ध्यान रखेगा। तो ये है आपके आज की रैपिड फायर की सीरीज रे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, मस्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक मस्त रहें, शेयर करें और जबरदस्त मजेदार कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।